हम दो खेते हैं, वो 1000 लोग खेल रहे हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली हो गई क्योंकि उनके पास इतने सारे एकेडमीज हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे 30-30 हज़ार लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम 2-3 लोग उनको टफ फाइट दे रहे हैं, तो आई थिंक जो इंडिया को ना, हम पे बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए कि हम लोग इतने सारे लोगों को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। और ऑब्वियसली हार जीत तो चलती रहती है, इतना ड्रास्टिक चेंज एकदम तो आने वाला है नहीं। वी हैव सो मेनी स्टेडियम्स, हमारे पास स्टेडियम्स हैं, लेकिन मैंने वही बोला कि हमारे पास कोचेज नहीं है जो उनके पास हैं। हमारे पास गोपी सर हैं, एक कोच ऑलमोस्ट 50-60 बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतने सारे कोचेज हैं। तो आई थिंक समटाइम्स इट्स नॉट ओनली कि प्लेयर्स नहीं है, बट फिर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, कोचेज नहीं है, रैकेट्स नहीं है, शूज़ नहीं है। आई थिंक हर एक चीज़ का इक्वली प्रॉब्लम रहता ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है और हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। छोटे शहरों में ही ज़्यादा आपको टैलेंट मिलेगा जो अच्छा करते हैं, वरना बड़े शहरों में तो ऑलरेडी दे आर यू नो गुड रिच पीपल हु कैन अफोर्ड टू प्ले एंड दे डोंट हैव यू नो इतने इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन जो छोटे गांव के लोग रहते हैं ना, आई थिंक उनको पुश करना ईजी रहता है क्योंकि वो हार्डवर्क जितना भी हो उतना ले लेते हैं।